Hello students, welcome to the new session and this is your first topic of drawing. How to draw honeybee? सबसे पहले आप एक सर्कल यूज़ करेंगे, या तो आप कोई कैप यूज़ कर सकते हैं किसी बॉटल का, या फिर आप बैंगल भी यूज़ कर सकते हैं. देन सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, एक ऊपर की साइड से और एक उसके अपोजिट एंगल से, और दोनों को मैच कर देंगे. देन उसके बाद जैसे आप लीव्स के लिए फ्लावर की लीव्स बनाते हैं उसके लिए आप एक राउंड लेते हैं, वैसे ही इसके फेदर बनाने के लिए भी हम इस तरह से यूज करेंगे. ओके, उसके बाद इसकी टेल बनाने के लिए हम छोटा सा एक ट्रायंगल यूज करेंगे, उसे जॉइंट कर देंगे. आईज बनाएंगे, स्माइली फेस बनाएंगे, देन हमें यूज करना है ब्लैक स्केच पेन. जैसे आप आउटलाइन करते हैं ब्लैक स्केच पेन से, वैसे ही आपको ब्लैक स्केच पेन यूज करना है. सर्कल में आप लोग अच्छे से ब्लैक स्केच पेन यूज करेंगे ताकि सर्कल की शेप जो है वो खराब ना हो. अब इसमें आप लोग क्या करेंगे, जो भी रफ लाइंस हैं आपकी पेंसिल की उसे हम इरेज कर देंगे. और इसकी बॉडी के अंदर हम लोग इस तरह से आग ड्रॉ करेंगे. ओके, देन सेम हम इसको भी ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन कर देंगे.
ये ड्रॉ हम कर चुके हैं, आउटलाइन भी हो गई है। इसके बाद हम क्रेयॉन कलर्स यूज़ करेंगे। आप सबके पास क्रेयॉन कलर्स येलो, ब्राउन, ब्लू। सबसे पहले हम येलो कलर लेंगे और हनी बी के फेस पे येलो कलर अप्लाई करेंगे और सर्कल से बाहर आपका कलर नहीं जाना चाहिए। पहले बिल्कुल कॉर्नर्स पे आउटलाइन कर लेंगे हम क्रेयॉन कलर से अच्छे से, ताकि जो आपका कलर है वो बाहर ना जाए। ऐसे ही आईज के साइड में भी सर्कल में आउटलाइन करेंगे बाहर की तरफ, ताकि आपकी आईज के अंदर भी आपका कलर ना जाए। हम अच्छे से इसमें कलर फिल कर देंगे। अब इसकी बॉडी में भी हम सेम येलो कलर करेंगे। पहले येलो के बाद जो लाइंस हमने ड्रॉ की थी उसमें हम करेंगे ब्राउन कलर। इस तरह से एक आउटलाइन दे देना, उसके बाद अंदर की फिलिंग। अगेन येलो मैं सेम आउटलाइन करूंगी पहले साइड में, ताकि कलर जो है वो बाहर ना आए। हम एक अच्छी थिक आउटलाइन कर लेंगे। देन कलरिंग, इस तरह से
And last, देन इसकी टेल में हम सेम ब्राउन कलर करेंगे. लास्ट आईज में स्केच कलर से एंड आई होप यू एंजॉय दिस टॉपिक. कीप डूइंग इट होम. थैंक यू.